ये तस्वीरें गुलबर्गा शहर के एक मशहूर माइनॉरिटी इदारे की हैं, जहां पानी की किल्लत होने की वजह से टॉयलेट और दीगर जगहों पर गंदगी देखी जा रही है, जिससे इस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। गुलबर्गा शहर में मौजूद नेशनल एजुकेशन सोसाइटी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इस सोसाइटी के अंडर चल रहे अखरा स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर गुलबर्गा हेडलाइंस को भेजा है। वीडियो के जरिए पेरेंट्स ने शिकायत की है कि पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स के इस्तेमाल के लिए यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है और खासकर टॉयलेट की हालत बस से बदतर हुई है, जिसकी गंदी बदबू पूरे स्कूल में घूम रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ वोमिटिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के लिए पाकी आधा ईमान होता है और ये एक मुस्लिम इदारा होने के बावजूद यहाँ इस तरह की गंदगी देखी जा रही है। पेरेंट्स की शिकायत पर वीडियो सामने आने के बाद हमने इस इदारे के जिम्मेदारों से कॉल पर बात कर सवालात किए हैं। गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए पूछे गए सवालात पर इस इदारे के जिम्मेदारों ने कहा, बोरवेल खराब होने की वजह से पानी की किल्लत चल रही है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी शहर का एक बेहद अहम इदारा है और वहाँ इस तरह की हालत बेहद शर्म की बात है, पर इस मामले में सोसाइटी के जिम्मेदारों ने इस इशू को जल्द सॉल्व करने का भरोसा दिलाते हुए गुलबर्गा हेडलाइंस से फोन पर क्या कहा, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपरमार्केट गुलबर्गा। वहां के स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनका बोलना है कि ये तकरीबन कई दिनों से इस तरह से हालत है स्कूल में। हाँ। और मेरे पास बाथरूम टॉयलेट्स के वीडियो है जहाँ पे अंदर ऐसे ही गिलाजत है, बच्चों को वहाँ पर अंदर पानी का इंतजाम नहीं है। हाँ। बाहर पानी का इंतजाम नहीं है, बच्चे उल्टियाँ कर रहे हैं, वैसे ही वो जब गिलाजत पड़ी हुई है स्कूल। हाँ। के अंदर आप सोसाइटी चला रहे हैं, आप स्कूल के अंदर इस तरीके की हालात अगर होंगी। हाँ। तो उससे बच्चों की तबीयत खराब होंगी, तमाम चीजें अगर होंगी तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे बताइए। देखिए हम क्या मालूम है, इससे पहले भी यानी कि जो है जब सूरत थी तो क्या मालूम है टैंकर से ऊपर 4000 लीटर का पानी ऊपर जो है चढ़ा है। आज भी यानी कि जो है फिर यानी कि पूरे क्या बोलते हैं आपके बैरल वगैरह लिखा के भी फिर यानी कि जो पानी का टैंक वगैरह करे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट को कोई शिकायत ना हो और बच्चों को यानी कि जो है कोई यानी कि जो है तकलीफ ना हो। तो आपसे बड़ा मेहरबानी, नेशनल का है वो, नेशनल सबका है, तो इस हिसाब से जो है हम भी यानी कि पूरी कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह कोई तकलीफ ना हो, बच्चों को भी ना हो, पेरेंट को भी ना हो। अभी ये जो है ये इखरा स्कूल है तो वहाँ पे जो है यानी कि तमाम पानी का इंतजाम किए हैं और यानी कि टैंकर से भी जो 4000 लीटर के टैंकर हैं उनसे भी मंगा के ऊपर इसके ऊपर एक न्यूज बना रहा था, इसी हालत कंडीशन यहाँ पे है बोल के। अभी आपका कॉल पे बात करके डिटेल लेके बनाना बोल के मैं मुनासिब समझा हूँ, क्योंकि आपकी तरफ से भी डिटेल लेना, क्योंकि पेरेंट्स जो कंप्लेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम न्यूज तो बना रहे हैं। आपको भी कॉल करके सदर साहब को कॉल किया था मैं इसलिए, चेयरमैन साहब को, तो उन्होंने कुछ मशहूरी पे आज किसी का इंतकाल हुआ घर पे बोल के ऐसा कुछ सुना है उन्होंने, इसलिए शायद आपको नंबर दिए होंगे। तो वही मैं आपको जो वजात कर रहा हूँ कि जो है क्या हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरे संदाशवाड़ी के अंदर पूरा आपको मालूम है पूरा वाटर लेवल नीचे डाउन हो गया पूरे एरिया में। तो हम क्या मालूम है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्या मालूम है पैंट को कोई तकलीफ ना हो। आप एक पीछे टॉयलेट की तरफ आप जाके देखिए किस तरह से देखे यानी के जो है उसको यानी के जो है पानी का भी टैंक से लिखा के जो है उसको यानी के सफाई करके जो है टीचर्स के लिए जो अलग से वो भी वीडियो है मेरे पास, टीचर्स के लिए जो अलग से बाजू टॉयलेट है वो साफ सफाई पूरी वहाँ पे आप रखे, हाइजीन है वहाँ पे पूरा, और जो बच्चों के लिए वहाँ पे गंदगी है। वही मामला है, देखिए क्या है हमारे पास पूरे 25,000 लीटर का टैंक है क्या, तो अब ये जो है मामला ये हो गया है कि बोरवेल की वजह से सिर्फ आधे घंटा भी नहीं आ रहा पानी जी आप, तो इस वजह से क्या है मालूम है थोड़ा तकलीफ हो रही है। अब वो नेचुरल प्रॉब्लम है ये, इसको जो है हम जितना भी यानी के आर्टिफिशियली एड्रेस करेंगे ना, सुनिए बोलना ये टीचर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो टॉयलेट में भी गंदगी रहना ना फिर, अगर पानी की तकलीफ है तो यानी वहाँ पे भी यानी के जो है सफाई का इंतजाम कर रहे हैं, उधर भी जहाँ बच्चे कर रहे हैं वहाँ पे भी इंतजाम कर रहे हैं, बच्चों को टॉयलेट इस्तेमाल हो रहा वहाँ पे गंदगी है। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना मैं आपको, हम जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है आइंदा यानी के जो है कोई यानी के तकलीफ ना हो इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। ठीक है तो आप थोड़ा सा बड़ा मेहरबानी थोड़ा सा इसका ख्याल रखिए। ठीक है देखो क्या है मालूम है आपका ये इदारा है वो,
यानी कि गुलमर्ग में कोई सोसाइटी है तो नेचुरल सोसाइटी जिसे कह सकते हैं, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। तकलीफ ज्यादा इसीलिए हो रही है माइनॉरिटी इदारा होने के बावजूद, क्योंकि मुसलमानों के लिए पाकी आधा ईमान होता है। हाँ तकलीफ ज्यादा इसलिए हो रही है कि माइनॉरिटी मुसलमानों का इदारा होने के बाद इतनी गंदगी देखी जा रही है इदारों में। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, वो तो यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट इस वजह से हो रहा है, जो नेचुरल यानी के जो है बारिश नहीं होने की वजह से या बोरवेल के यानी के जो है सूख जाने की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। और एक हम बोरवेल मारने की कोशिश कर रहे हैं, तरफ से पानी का इंतजाम कराइए, बोरवेल जल्द से जल्द जरूर कराएंगे, जरूर कराएंगे। अभी बारिश क्लाइमेट सीजन चेंज हो रहा है बारिश के लिए, तो मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ ना साहब, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ इंशाल्लाह जो है इसका यानी के पूरा ख्याल रखेंगे और कोई तकलीफ ना हो उसका पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या है और नेशनल क्या है हमारा है, किसी एक का नहीं है, वो पूरी कौम का है। वो दूसरे सोसाइटी जो है क्या मालूम है पर्सनल है, वो अगर चाहे सोसाइटी है वो पर्सनल है, मगर नेशनल ऐसा है जो पूरी कौम का इदारा है। मेरा सवाल आप कर रहे हैं, कर रहा हूँ मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल आप कर रहे हैं उल्टा, मैं वही बता रहा हूँ आपको। प्राइवेट जो इदारे है ना, यहाँ पे भी बोरिंग खराब होने के बाद वो लोग अपनी तरफ से पैसा खर्च करके पानी ला के अपने स्टूडेंट्स को तकलीफ नहीं दे रहे। ये माइनॉरिटी मुसलमानों का इदारा होने के बावजूद एक सोसाइटी वहाँ पे चल रही है, उसके बावजूद इस तरह से अगर वहाँ पे तालीम याफ्ता स्टूडेंट्स को इस तरह से अगर तकलीफ होंगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो तकलीफ ज्यादा हो रही है, सोसाइटी का जिम्मेदारी है ना उसके ऊपर। आपका जो है ना तशवीश है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। और क्या है मालूम है, हम और एक बोरेल, अब आपको मालूम है या नहीं पता नहीं, तीन बोरेल ऑलरेडी वहाँ पे हैं और तीनों में क्या है मालूम पानी कम हो गया है। टोटल हमारे पास जो टैंक्स है 25,000 लीटर डेली आने के जो पानी पंप होता है, अब इसके अंदर जो है आधा घंटा भी नहीं आ रहा। तो इस वजह से क्या हो रहा है मालूम, कितना भी पानी लो आप, चाचा साहब के टैंक ला रहे हैं तो भी आने के जो है तकलीफ हो रही है। इसके बावजूद हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्या मालूम है ये सूरत हाल को इनका काबू में करें। और आप भी बराए मेहरबानी, आप मीडिया के लोग हैं और नेशनल सबका है, सिर्फ यानी कि हमारा नहीं है, सबका है। तो इसलिए क्या मालूम है इसको थोड़ा सा नहीं कि आप बराए मेहरबानी करके ख्याल रखिए। मेरा नाम मोहम्मद नईमुद्दीन है जी, ठीक है। मैं वहाँ पे चीफ अकाउंटेंट हूँ, वहाँ पे मैं वहाँ पे चीफ अकाउंटेंट हूँ नेशनल इंश्योरेंस सोसाइटी में। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, जरा प्लीज। मैं बस एक न्यूज बना रहे हैं हम लोग, उसमें आपकी तरफ से भी आप क्या प्रॉब्लम है वो जानने के लिए कॉल करे हैं और कुछ नहीं। जी जी बता दिए आपकी तरफ से, तो एक मैसेज सही जाता लोगों में कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है बोलते। जी 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 हाँ। This video presented by Fine Art Designer, exclusive for suits, sherwanis, a complete solution for men's kids for reception, marriage, engagement, ethnic wears, parties, farewell and much more. First branch at Timapuri Chowk, Gulbarga. Second branch at Supermarket Gulbarga.